अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी चाह भी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इब्राहिम फैमिली ब्लॉग्स। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, थोड़ा बाहर गई थी, जिसके से मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज बात करते हैं बुढ़िया के बारे में, मतलब कि कबाड़े वाला की जो मस्तानी है मलाड की मडोना के बारे में। तो ये जो कवाली वाले की मस्तानी है मलाड की मडोना, वो अपने एक घर की तशरीफ़ लेके, मतलब कि पिछवाड़ा, पिछवाड़े को हम उर्दू में तशरीफ़ बोलते हैं, लेके पहुंच गई थी सूरत अपनी फेक 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड ब्लू टिक जो है ख़रीदा हुआ 699 में, एंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर कितने में ख़रीदा है भी डोंट नो। तो उसकी सेलिब्रेशन करने एंड मुफ्त का जो है खाना ठूसने और मुफ्त के रेसिपीज़ जो है वो अपने किचन चैनल के लिए बनाने के लिए पहुंच गई सूरत अपना इतना बड़ा एक एकड़ का जो तशरीफ़ है वो लेके। अब बुढ़िया जो है कल के ब्लॉग में बोल रही थी यहाँ पर बहुत हवा चल रही है, तूफ़ान जो है घूम चुकी है लेकिन हवा बहुत ज़ोर से चल रही है। और बुढ़िया जो है छत पे जाके जो है हवा में बुढ़ा और बुढ़िया रील भी बना रहे थे, और उसका जो दलाल है हकला दलाल, बुबला दलाल, वो शूट कर रहा था। तो मैं माँ बेटे से पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि मौसम का जो हालत है वो देखते हुए कृपया आप लोग जो है सर पे एक कपड़ा बांध लें, क्योंकि माँ बेटे दोनों तो है टक ले। और इससे पहले भी मैंने बुबले को सजेस्ट किया था कि भाई बुबला तो हवा पे मत जा, क्योंकि तू टकला है, विक पहनते हो, तुम लोग माँ एक्सटेंशन लगाते हैं, बेटा जो है विक पहनता है, कब हवा में कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, कब तुम लोगों का बाला उड़ के चला जाए, उसका कोई भरोसा नहीं, इज्जत का कचरा हो जाए। सोचो रील बना रही है बुढ़िया जो है, वही हर गाने में एक ही एक्सप्रेशन, उंगली जो है हिला हिला के, इशारा मार मार के, जो हर जो रील में है एक ही एक्सप्रेशन देती है। सोचो वो इधर उंगलियों का एक्सप्रेशन दे रही है, उधर से उसके बाल गायब हो गए, तो दिखने में कितना अजीब लगेगा और कितना कचरा हो जाएगा उसका। फिर हम तो उसको छोड़ने वाले हैं नहीं, ट्रोल पर ट्रोल करेंगे उसको लेके। तो उसका अगर आप ध्यान रखो, क्योंकि क्या है ना, नकली नकली होता है और नकली की जो वैलिडिटी होती है वो भी ज़्यादा दिनों का होता नहीं है, उसमें जो है ना ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं बुढ़िया की जो है ब्लॉग के आगे के बारे में, कि बुढ़िया जो है उस दिन जो है इंस्टाग्राम पे जब मैंने और कुछ लोगों ने जब वीडियो बनाया था कि भाई 699 से ख़रीदा हुआ है, उसके ऊपर उसने एक स्टोरी डाला था। मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं डाली मेरी वीडियो में, क्योंकि मेरा चैनल का बहुत बेड़ा गलत होकर रखा है, बट बहुत सारे लोगों के पास ये जो है, बहुत सारे लोगों ने उसकी स्टोरी देखी है, जिसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये 699 से ख़रीदा हुआ है, बट ये परमानेंट है, परमानेंटली रहेगा। तो ऐसा है बुढ़िया वर्षा सोलंकी की ना 2 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, आमिर अरब बोल के जो है ना एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, सॉरी यूट्यूबर नहीं, इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर है, वो भी मुंबई का ही है। उसने खुद ब्लू टिक करवा के बाकायदा अपने पोस्ट में ये बात बोला है कि मेटा वालों को थैंक यू कि 699 में हमको ब्लू टिक मिल गया, हम वेरीफाई हो गए। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने ब्लू टिक जो है वो लगाया, ख़रीद के लगाया है, उन्होंने बाकायदा अपनी स्टोरी पे या फिर कैप्शन पे या फिर पोस्ट पे नहीं तो रील्स बना के भी उन लोगों ने बोला है। तो ना तो हम तेरे जैसे अनपढ़ हैं और ना ही गवार हैं, तो अपने जो ये जस्टिफिकेशन है ना बुढ़िया, तो होगी रियान इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी हुई, कौन से रियान इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी हुई हमको नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तू वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ पढ़ी रहती थी, दिन भर पढ़ी रहती थी, समझ गई ना। तो भाई लेकिन हम जो है ना स्कूल, हमारे माँ बाप मेहनत के पैसों से हमको भेजते थे, तो थोड़ा बहुत हमको वहाँ से थोड़ा बहुत जो है नॉलेज हमको मिला है, तो हम तेरे तरह ना अनपढ़ है ना गवार है। तो ये सब जस्टिफिकेशन जो है ना तो अपने पास ही रख, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सा ख़रीदा हुआ है, कौन सा ख़रीदा हुआ नहीं है। अब तो और मज़ा आएगा, क्योंकि जिनके ख़रीदे हुए ब्लू टिक है सुनो उनका कलर चेंज होने वाला है। आई रियली डोंट नो कि उसमें सच्चाई कितना है और नहीं है, क्योंकि भाई हम तो ख़रीदा हुआ कुछ भी नहीं लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनके मिलियंस में है सब्सक्राइबर, बट वो लोग तक ब्लू टिक जो है ख़रीद के नहीं लगाए हैं। बट इसको तो दिखावे की आदत है, शोफ की ज़िंदगी तो वो जीती है, ख़रीदा हुआ सब्सक्राइबर, ख़रीदा हुआ ब्लू टिक, ख़रीदा हुआ भाड़े का पति, ख़रीदा हुआ भाड़े का फैमिली। अब बात करते हैं बुढ़िया के जो बच्चे हैं उनके बारे में। भाई कल तो 18 जून है, संडे का दिन है, फादर्स डे का दिन है,
तो बुढ़िया तू मुझे ये बता कि कल फादर्स डे के दिन तेरे बच्चे जो है ये साउथ वाला किशोर का फ़ोटो अपलोड करके विश करेंगे पोस्ट में, या फिर कासिम सत्तानी का फ़ोटो अपलोड करके वो विश करके पोस्ट करेंगे, या फिर उनके जो भाड़े का डैडी है कबाड़ी वाला सूरत का कचरा, तू मलार की कचरा और वो सूरत का कचरा, दोनों कचरा मिल के कर रहे कचरा कचरा, खैर जो भी है, तो वो कबाड़ी वाला जो है सूरत का कचरा टुंडा उसके पोस्ट डाल के फादर्स डे का जो है विश करेंगे। लेट मी टेल यू, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग को तो दिखावे की आदत है, दिखावा करना तुम लोग को बहुत पसंद है कि दिखाना देखो हम साथ साथ हैं, हमारे पास ये है फलाना दिन का है, तो आज रात को 12 बजे के बाद या फिर कल जो है फादर्स डे का केक कटिंग होगा टुंडे के साथ, और झूठ मूठ का दिखावे का जो फादर्स डे है वो सेलिब्रेशन होगा। भाई हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे थे ना, हमारे बच्चों के साथ हम मदर्स डे मनाते हैं और ना ही हमारे बच्चों के साथ हम फादर्स डे मनाते हैं, ना ही हमने माँ बाप के साथ कभी फादर मदर डे जो है वो मनाया है। मुझे लगता है कि माँ बाप की इज्जत रिस्पेक्ट और प्यार जो होते हैं ना, माँ बाप की वैल्यू करना वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि दिखावे के लिए केक काटना। ना हम ऐसा करते हैं, ना हमारे बच्चों को हमने ऐसा सीख दिया। और तुम लोग का क्या है, अगर तेरा बेटा जो है इतना ही मदर्स डे मनाता है, इतना ही माँ को रिस्पेक्ट करता, तो माँ की जो है ऐसी वीडियो तो तेरा बेटा शूट नहीं करता। तेरा बड़ा बेटा माँ ऐसी गंदी हरकतें कर रहे, घर का बड़ा बेटा होकर तो वो कतई ना चुप रहता। तो इससे समझ में आता है कि तेरे बच्चे जो है अपनी माँ को कितना रिस्पेक्ट करता है। और तेरे बच्चे तो मुझे ऐसा लगता है आज बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे कि कौन से बाप का फ़ोटो डालूं, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे बाप हैं, उनको खुद को ही नहीं पता कि उनका ओरिजिनल बाप कौन है, तो वो कंफ्यूज तो होने ही वाले हैं, है कि नहीं है। हम लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है कि भाई हम नाजायज़ नहीं हैं, मेरी माँ जो है बिना शादी के जो है क्या बोलते हैं उसको, बिना शादी के बच्चा पैदा किया जिसको, हाँ कुंवारी, कुंवारी माँ नहीं है, हमारा बाप है। ये दिखावा करना तो बहुत ज़रूरी है, और दिखावा तो करेंगी, ये सारे तो है ही दिखावे का जो है ड्रामा मंडली। और भाई अगर तो ब्लू टिक का और 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन करने गई ही थी, तो हाथों हाथ फादर्स डे का भी सेलिब्रेशन कर लेती, क्योंकि वहाँ पे तो तेरे बच्चे भी है ना सौतेले से, लेकिन रिश्ते में तू माँ ही लगती है, लेकिन उसके बूढ़े के बेटे के साथ तुझे तो कौली चीज़ें पसंद है, जवान चीज़ें पसंद है, तो बूढ़े के बेटे के साथ जो है तेरा जो है गुल्लू गुल्लू तो चालू ही है। अब जिसके साथ तो गुल्लू गुल्लू कर रही है उसको तो बेटा कैसे मान सकती है भला, है कि नहीं। और रहा सवाल, बुढ़िया ने अपने ब्लॉग में बोला था कि ये देखो मैंने ये अपनी बहू के लिए जो अंगूठी ली है, कौन से बहू के लिए ये मेंशन नहीं किया, चलो अच्छी बात है, बट बहू को देते हुए भी दिखाई नहीं देता। भाई कौन से बहू के लिए लिया ये तो मेंशन कर ले, क्योंकि अगर वो जुबेरिया के लिए अंगूठी होता तो जुबेरिया को देते हुए तो दिखाई देती। ये बुढ़ी हमेशा बोलती कि मैंने इसके लिए ये लिया उसके लिए वो लिया, लेकिन कभी देते हुए दिखाई नहीं दी, बस मुँह से ही बोलती कि मैंने इसके लिए ये गिफ्ट लिया उसके लिए ये गिफ्ट लिया, और तो और खुद इतनी जोड़ी कपड़े पहन के जाती है, ऊपर से खुद वहाँ पे जाके भी सूरत जाके भी अमीना आंटी के कपड़े पहनती, बेशरम औरत। अमीना आंटी वही कपड़ों में हमेशा हर बार जब भी देखो वही कपड़ों में रहती है, कभी भी अमीना आंटी को जो है खुद का सलवार ना पहनाती है ना ही नया खरीद के देती है। इसका इतनी नीच औरत है और इतना दिखावा करती है, इससे समझ में आता है कि ये फैमिली दोनों फैमिली में कितना प्यार है और कितने सगे बन रहे और कितने अपने हैं। पूरे के पूरे भाड़े की किराए मंडली है जो सिर्फ एक्टिंग करी, इनका थिएटर चल रहा है पर शूटिंग के लिए। और बुढ़ा वैसे मुंबई क्यों जाता पता है, असली रीज़न मैं बताती हूँ आप लोगों को। बुढ़ा जो है बुढ़िया की वजह से रिहाना आंटी का और जैनब का जो केस है उसमें फंसा हुआ है। बुढ़े को हर डेट में जो है उसको हाजिरी लगाना पड़ता है, पहले पुलिस स्टेशन में माहिम की पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाना पड़ता था, अब सेशन कोर्ट में हाजिरी लगाना पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए है, किराए का रिश्ता है, बुढ़े को बस जाके वहाँ पे जाके हाजिरी लगाना होता है, फ्री का मुफ्त का खाना चाहिए होता है, मुफ्त का जो है रहना चाहिए होता है, इसके लिए बुढ़ा बुढ़िया के पास जाता है। और बुढ़िया का ऑफकोर्स अपना जो प्यास है वो बुझाना होता है, इसीलिए अब बुढ़िया को कोई मिल नहीं रहा है और बेटे से शायद मन भर गया है, या फिर बेटा हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, नाइट क्लबों में बिजी रहता है, बुढ़िया का प्यास बुझती नहीं है, इसलिए बुढ़े को वो लेके आते हैं साथ में, दो चार लगे हाथ रील भी बना लेते हैं और मुफ्त का खाना सुना जाके खा भी लेती है और किचन चल लेती है, वीडियोज़ भी बना लेती है। बस यही मान जो बुढ़े को, तो मुझे ऐसा लगता है बुढ़े को बस उस केस से जो है बड़ी होना उसका एक मतलब कि उसको बड़ी होना है, जिसके लिए वो बुढ़िया के साथ वापस से मिला है, क्योंकि एक बुढ़िया ही है जो बुढ़े को इस केस से बड़ी मतलब निकाल सकता है। और वैसे बुढ़े ने बोला भी था अपने जो है लाइव में
अपना बुढ़ा जो है बुढ़िया की वजह से इस केस में फंसा है। और जो कि सच बात ही हम सबको पता है कि इस केस में अगर बुढ़ा फंसा हुआ है तो बुढ़िया की वजह से फंसा हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार बुढ़ा जो इस केस से बरी हो गया तो फिर बुढ़ा जो है यू छू मंतर हो जाएगा। और दोनों वैसे भी क्रिमिनल है, जैसे सायरा पठान क्रिमिनल है, सो कॉल्ड हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में जो क्या बोलते हैं पब्लिश हुआ था न्यूज़, अगर सारे तो एक ही पार्टी के हैं ना, अगर ये क्रिमिनल है तो ये भी क्रिमिनल ही है। और वैसे देखा जाए तो सारे ही क्रिमिनल है और ये बुढ़ा बुढ़ी तो बेल पे छूट गया है। एक बार बस जुर्म जो है वो साबित हो जाए कि बुढ़ा बुढ़ी ने किया, उसके बाद तो सेकंड बेल भी नहीं मिलेगा। तो देखने लायक होगा कि आगे उनके कोर्ट केस का जो है ना वो क्या होता है क्या नहीं होता, अपडेट तो मैं देती रहूँगी आप लोगों को। और रहा सवाल बुढ़िया के ना जुम्मे का, हर जुम्मे को बस इतना ही बोलते जुम्मा मुबारक। अबे बुढ़िया जुम्मा मुबारक बोलने से नहीं होता है, जुम्मे का नमाज पढ़ना होता है, नाखून वाखून काट के वजू करके गुसल करना होता है, घर दार साफ करना होता है, पर्दे साफ हटाने होते हैं, बेडशीट हटाने होते हैं, हर चीज़ साफ करना बहुत ज़रूरी होता है घर का। सिर्फ मुँह से जुम्मा मुबारक बोलने से नहीं होता, जुम्मे का नमाज भी अदा करना पड़ता है। लेकिन ये इसका क्या है पता है, ये दिन में जुम्मा मुबारक बोलती है और रात को जो इसका गाना शुरू ही हो जाता है कि उमरा करके आई। उमरा तो इसका बहाना था क्योंकि उसको लगा था कि अब मैं अगर उमरा में चली जाऊंगी तो लोगों के जो नज़रिया है मेरे लिए वो चेंज हो जाएगा, वैसे तो मैं बेचारी साबित हो ही चुकी हूँ, थोड़ा बहुत जो है पब्लिक सपोर्ट भी मुझे मिल जाएगा। बस ये उमरा करने को इसलिए गई ताकि पब्लिक सिंपैथी उसको मिले और थोड़ा सा उसको घूमने भी मिल जाए, दैट्स इट। इसमें उमरा करने लायक कोई भी हरकतें नहीं है। दिन में उसे जुम्मा मुबारक बोला और रात में ही जो नंगा नंगा रील्स बनाना हुक्का हाथ में लेके चालू कर दिया। अब ये कभी नमाज पढ़ते हुए भी रील बना ले, जुम्मा मुबारक बोलती है, जुम्मे के दिन क्या क्या करना होता है एक मुस्लिम लेडी को अपने घर में, सिर्फ मर्दों को रेडी करने से नहीं होता है। और मर्दों को कब्र से कपड़े निकाल के देना कौन सा बड़ी बात है यार, मर्द नाखून वाखून काट के शेविंग वेविंग करके अच्छे से गुसल करके आ जाते हैं, बस कपड़े निकाल के कब्र से रख दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। जुम्मे के दिन बहुत सारे काम होते हैं, औरतों को सांस ही नहीं मिलता है साफ़ सफाई करने में, और ये तो बस नंगा पंथी में लग जाते हैं। ये मुसलमान है, अरे मुसलमान के नाम पे धब्बा काई को खाली पोकट में हमारे कौम का नाम बदनाम कर रही है रे, अरे अंडी। और ये अपड्रिंकिंग की बात करती है कि ये बड़ी बड़ी जो है लेक्चर जाती है कि पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया बोलती है कि मैंने अपने बच्चों को जो है कितनी अच्छी परवरिश दी है। फिर बाद में बोल रही थी जब सूरत गई थी कि बच्चे जो है घर से ही सीखते हैं, बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। इतनी परवरिश की बात करने वाली, अपब्रिंगिंग की बात करने वाली, खुद बच्ची से जो रजनीगंधा का डब्बा मंगाती है, बच्चों के सामने रजनीगंधा खाती है, हुक्का खाती पीती है, और वही हुक्का पी के रजनीगंधा खा के बच्चों को मुँह पे किस भी करती है। छोटी सी बच्ची, हम हमेशा, मेरे पति आज भी बोलते हैं अगर कि उसको पैर मत लगाना, वो छोटा बच्चा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे रिलीजन में यही है कि भाई छोटे बच्चे को पैर नहीं लगाते। ये छोटे बच्चे से पैर दबा रही, ये नहीं सोचे बच्चे को इन्फेक्शन होगा कि क्या होगा, बच्चों को पैर नहीं लगाते, बच्चों को पैर में हाथ लगाना नहीं चाहिए। बच्ची से वो रजनीगंधा मांग रही है, बच्ची से वो रजनीगंधा मंगवा भी रही है और बाकायदा बच्ची ला के दे रही, इससे पता चलता है कि ये जो है ना एक मछली, एक कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसका भी वही से नहीं है। सूरत घुसी है उस घर को बर्बाद करने के लिए और सूरत वाले तो केस, पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल बोलो या गुंडागर्दी बोला, भाई इसकी दोस्त ने अगर किडनैपिंग और मर्डर कर सकते हैं, सायरा पठान की मैं बात कर रही हूँ, बकायदा ये मैं नहीं बोल रही हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो है उसमें वो जो है न्यूज़ पब्लिश हुआ है। तो सोचो ये कितने बड़े क्रिमिनल लोग हैं, कितने क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं और न जाने इतने कितने क्राइम्स किए होंगे। ये तो बस एक डीसीपी का बेटा था करके शायद ये केस हाईलाइट हुआ, न जाने ऐसे कितने कितने लोग हैं जिनका केस तो हाईलाइट भी नहीं हुआ है। और ये बात तो सबको पता है कि इस बुढ़िया के वजह से कितने लोगों ने, ये सूरत के एक आदमी ने सुसाइड किया, फिर अजमेर का एक आदमी ने सुसाइड किया, फिर एक बैंक वाला था वो दारू पी पी के मर गया। इसके तो ये न जाने कितने कांड है जो हाईलाइट ही नहीं हुआ, शायद पैसा दे दे के मुंह बंद करवा दिया गया है। जो बोलते ना किसको बोलते ये पुलिस वाले जो भी होते हैं, या खैर जो भी है उसका पॉलिटिकल प्रेशर या जो जो भी है उसका मुंह बंद करवा दिया गया, उसके केसेस तो हाईलाइट नहीं है। सोचिए कितनी क्रिमिनल माइंडेड औरत है, ये क्या ही परवरिश देगी बच्चों को, और उसने अपने बच्चों को क्या परवरिश दी, ये तो साफ जाहिर होता है कि इसको क्या परवरिश मिली, इसकी अपब्रिंगिंग क्या है एंड इसने अपने बच्चों को क्या परवरिश दी। अरे भाई अगर मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगी तो मैं दूसरे बच्चों को भी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी कि बेटा ये नहीं करते वो नहीं करते हैं, ठीक है। मैं अगर किसी के बच्चे से मैं रजनीगंधा मंगा रही हूँ
हूँ। उस बच्चे को, छोटे से बच्चे, एक साल हुआ कि रेडी रोड पर, उस बच्चे को मैं चाय पिला रही हूँ, रजनीगंधा खा के, हुक्का पी के, अगर उस बच्चे को मैं लिप किस कर रही हूँ, बाकी दूसरे घर के दूसरे बच्चों के ऊपर मैं हुक्के का धुआं छोड़ रही हूँ, तो सोचो मैंने अपने बच्चों को क्या परवरिश दी होगी। क्योंकि क्या होता है ना, पहले लोग अपने ऊपर आजमाते फिर दूसरों के ऊपर आजमाते, तो इससे पता चलता है इसका लेवल क्या है, ये बच्चों के साथ कैसे पेश आती है और ये कैसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे औरतों पे, क्योंकि औरत है, औरत के नाम पे ये धब्बा है, क्योंकि औरत कभी ऐसे नहीं हो सकती, इतनी बेगैरत तो नहीं हो सकती। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी याद रखिए, दुआ की दरखास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, लाइक मुफ्त में होता है, पैसा देना नहीं पड़ता है। एंड आपका क्या राय है वो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि वो भी फ्री ही मिलता है, उसमें भी पैसे नहीं लगते। एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो भी फ्री ही है, उसमें भी पैसे नहीं लगते। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड इफ़ पॉसिबल, आजकल के लोग तो ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो सो इफ़ पॉसिबल अपने दोस्त लोग जो सारा सत्तानी की वीडियो देखते हैं उनको भी आप मेरा वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलिए फ़िलहाल अलविदा।